जहां पूरे देश में लॉकडाउन कोरोना महामारी के चलते किया गया है, शासन ने सभी आवश्यक सामग्री के रेट निर्धारित किए हैं। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट का चश्मा किया गया है, जिसमें कालाबाजारी मुनाफाखोरी ना हो सके, लेकिन कुछ लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। जी हां, ऐसा ही मामला हम आपको आज दिखा रहे हैं। जबलपुर जिले के थाना बेलखेड़ा में पदस्थ थाना प्रभारी लेडी सिंघम, सब इंस्पेक्टर निरूपा पांडे, जो ताबड़तोड़ कार्यवाही करने में हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, बेलखेड़ा नगर के बाजार में उस समय सन्नाटा छा गया जब बेलखेड़ा थाना प्रभारी निरूपा पांडे अपने देहाती लिबास में एक आरक्षक को लेकर बाजार में स्थित किराना दुकान पर अरहर की दाल खरीदने लेडी सिंघम पहुंची, जहां पर दाल 100 किलो बेची जा रही थी। दुकानदार को बहुत देर बाद शक हुआ कि ये तो मैडम जी हैं। फिर क्या था, दुकानदार के तो होश उड़ गए। दुकानदार ने पहले ही मैडम को 85 की दाल 100 रुपए में दे चुका था। फिर क्या था साहब, दुकानदार का तो पसीने छूटने लगे, होश उड़ गए। तत्काल मैडम ने कार्यवाही करते हुए दुकान पर पंचनामा तैयार कर थाने लाकर धारा 186 की कार्यवाही की और जिला कलेक्टर ने सभी जिला किराना दुकानों पर रेट लिस्ट का चस्पा कराया है। इसके बाद भी महंगे दामों में सामग्री बेची जा रही है। नहीं मैडम, क्या आप राहर की दाल 100 रुपए क्यों दे रहे थे? राहर की दाल 85 रुपए है। हम बता रहे हैं नहीं, राहर की दाल 85 रुपए है, आपने 100 रुपए क्यों दी? नहीं, कोई काहे से नहीं, आपने राहर की दाल 100 रुपए क्यों दी? लेके चलिए। शासन को जाके बताओ, बुलाओ सुनील को, फोन नहीं लगा। तीन प्रकार की दाल है मैडम, तीन प्रकार की दाल है। चुप रहिए, बैठिए यहीं, आप बैठिए यहाँ पे। मैं हुआ क्या बताइए, मैं बता तो नहीं हूँ ना। 85 रुपए की दाल शासन ने रेट फिक्स किया है, 100 रुपए दे रहे हैं। दाल में कोई वैरायटी नहीं होती है, ये गलती है। क्यों माने हम? आप जब हमको दे रहे हैं 100 रुपए की दाल। नहीं, हम मैडम आपसे बोले कि बेटा आपके तो दाल खाने को नहीं है, तो हमारे पास अभी दाल सस्ती वाली नहीं है। अच्छा, तो हमें दाल आप फ्री में देते? नहीं, हमने जी तो 100 रुपए वाली दाल हमको तौल के दी ना। नहीं, हम मैडम आपसे, आप हमारी 100 रुपए वाली दाल तौल के दी कि नहीं दी? नहीं, 100 रुपए वाली दाल तौल के दी कि नहीं दी मुझे अभी सामने। 85 रुपए, 100 रुपए दाल आपसे बोली, 80 रुपए किलो भी है, 85 रुपए किलो वाली और 100 रुपए वाली भी है। हाँ, तो 100 रुपए वाली दी, दाल थी नहीं। चार प्रकार की दाल नहीं होती है दाल। एक मिनट, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखा है। हम वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोरोना COVID-19 महामारी से दो चार हो रहा है, इस संबंध में हमारे भारत में भी अछूता नहीं है। जो श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया है और समय समय पर मुनाफाखोरी कालाबाजारी को रोकने हेतु, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्व अमला, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग इस महामारी से का सामना करने के लिए लगा हुआ है। लोगों को समय समय पर हम सचेत करते रहते हैं। इस संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा, जबलपुर द्वारा, एक सामान की सूची, मुनाफाखोरी कालाबाजारी रोकने हेतु सामान की सूची जारी की गई थी कि इस निर्धारित दर पर ही किराना दुकानदारों द्वारा सामान बेचा जाएगा। जो पिछले कुछ दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में एक दो दुकान वाले ऐसे हैं जो समय से अधिक में दुकान खोलते हैं और चीज़ों की कीमतें बढ़ा कर देते हैं, तो आज दिनांक को मैं स्वयं सिविल ड्रेस में तैयार होकर और अपने साथ एक सिविल में आरक्षक को लेके, एक दो सिविल के व्यक्तियों को लेके भी मौके पे पहुंची और वहाँ दुकानदार से मेरे द्वारा मांगा गया कि दाल दीजिएगा हमें। तो दुकानदार ने 100 रुपये बोले कि ठीक है, इस दाल हम दे रहे हैं आपको, 100 रुपये दीजिए। तो उस संबंध में फिर तत्काल मौके पे ही हमने कार्रवाई की, हमने उसको बताया कि 85 रुपये के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा सूची जारी की गई है, आप 100 क्यों दे रहे हैं? मौके पे पंचनामा तैयार किया और उसको लेकर आए, 188 के तहत कार्रवाई की गई। उसकी दुकान पर चप्पा नहीं था जो ऊपर से आया कलेक्टर? नोटिस हमने पूर्व में चस्पा किया हुआ था, हमने पूर्व में चस्पा किया हुआ था श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जारी सूची को, उसके पश्चात भी उसके द्वारा वायलेशन किया जा रहा था, जिस पर हमने कार्रवाई की।